हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर वन, आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म प्रीतम प्यारे के लिए कैमियो रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में जुनैद खान लीड रोल में है। मिडडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान मई की शुरुआत में अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म प्रीतम प्यारे के लिए कैमियो की शूटिंग के लिए राजस्थान गए। फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि आमिर खान 1 मई को राजस्थान में जुनैद और टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने एक सप्ताह के दौरान बागर में एक गाने और हॉस्पिटल के कुछ सीन्स शूट किए। नंबर टू, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की नई फिल्म जयेश भाई जोरदार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ट्रेड से सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो जयेश भाई जोरदार ने सिनेमाघरों में बहुत अच्छी शुरुआत नहीं की है और मॉर्निंग शोज में सिर्फ 8% की ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है। केआरके ने ट्वीट में लिखा है, रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार ने 5-8% की धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म के 30% शोज कैंसिल हो गए हैं क्योंकि उन्हें देखने के लिए ऑडियंस नहीं पहुंची है। नंबर थ्री, बॉलीवुड के देओल परिवार में भी जल्द शहनाई बजने वाली है। जी हां, सनी देओल के बड़े बेटे और एक्टर करण देओल की सगाई हो गई है। खबरें हैं कि करण देओल ने दिवंगत फिल्म निर्माता बिमल रॉय की परपोती दृशा से सगाई कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो करण और दृशा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पेपराजी ने भी उन्हें अक्सर साथ में स्पॉट किया है। खबरों की माने तो करण देओल की जल्द ही शादी की वजह उनकी दादी की तबीयत खराब होना है। नंबर फोर, सबा ने एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट मिनिमम के पोस्टर को शेयर करते हुए अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट की। ये प्रवासी भारतीयों पर बेस्ड फिल्म है। सबा की इस पोस्ट पर ऋतिक ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी इस पोस्ट पर रूममेट बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन ने कमेंट कर विश किया। इसके बाद सबा ने फिंगर क्रॉस करते हुए उन्हें माई लव कहा। इसी के साथ दोनों का रिलेशनशिप भी कन्फर्म हो गया है। मिनिमम को रुमान मोला ने डायरेक्ट किया है। सबा के साथ फिल्म में गीतांजलि कुलकर्णी और नमित दास भी है। नंबर फाइव, बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टरों में से एक राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि दोनों तेलुगु फिल्म हिट के हिंदी रिमेक में नजर आएंगे। हिंदी में भी इस फिल्म का नाम हिट ही रखा गया है, लेकिन ये फिल्म का पहला पार्ट होगा, इसलिए हिंदी वर्षन का पूरा नाम हिट द फर्स्ट केस रखा गया है। हिट सिनेमाघरों में 15 जुलाई 2022 को दस्तक देगी। नंबर सिक्स, कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक्ट्रेस की टीम ने किया है। दरअसल कटरीना कैफ कुछ दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत ढीला ढाला सलवार कुर्ता पहने स्पॉट हुई थी। एक्ट्रेस को इस लुक में जिसने भी देखा तो वो शॉक्ड रह गया। वहीं इस लुक के बाद से सोशल मीडिया पर कटरीना के प्रेग्नेंट होने की खबरों का दावा किया जाने लगा। टाइम्स नाउ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कटरीना कैफ की टीम ने इन सभी खबरों को झूठा बताया है और कटरीना प्रेग्नेंट नहीं है इस बात का दावा किया है। नंबर सेवन, बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सीजन 3 में बाबा निराला की नई करतूतों का काला सच सामने आएगा। कई सारे दिलचस्प ट्विस्ट के साथ ये सीरीज फैंस को फिर सरप्राइज करेगी। इस बार बॉबी देओल की सीरीज में फैंस को ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी दिखाई देने वाली है। बाबा निराला के रोल में बॉबी देओल को देखना फैंस के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी ट्रीट साबित होगा। फैंस आश्रम के तीसरे सीजन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। नंबर एट, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान महेश बाबू के बयान के बारे में बात की और कहा कि वो सही थे, बॉलीवुड वाकई में उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ ही कंगना ने ये भी कहा कि छोटी छोटी बात की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। दरअसल हाल ही में महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और यहां आकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। इस बयान के बाद उनको क्रिटिसाइज किया गया, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई भी दी थी। नंबर नाइन, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर चर्चा में है। बीते दिनों फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा खबरें सामने आ रही थी। अब जानकारी सामने आई है, फिल्म फ्लोर पर उतर चुकी है और पहले सीन के लिए स्पेशल मेट्रो स्टेशन बनवाया गया है। दरअसल रियल लोकेशन पर भारी भीड़ के चलते एक्टर्स के लिए शूटिंग करना मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विले पार्ले में एक स्पेशल मेट्रो स्टेशन बनवाया गया है। एंड नंबर टेन, हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर विजय किरणदूर ने KGF चैप्टर 3 को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। KGF चैप्टर 3 की रिलीज डेट के बारे में बताते हुए विजय किरणदूर ने कहा कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील फिलहाल सालार में बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर या नवंबर तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद KGF चैप्टर 3 की शूटिंग शुरू होगी। वहीं फिल्म की रिलीज की बात करें तो इसे साल 2024 में रिलीज करने की उम्मीद जताई जा रही है। विजय किरणदूर ने यह भी बताया है कि अब KGF को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।